नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के जो हमारे वीडियो है ना, इस प्रकार से हमारे वीडियो में देख लीजिए, ये हैं सुगंध बाला। शायद बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होता है ना। इसे देख लीजिए, इस प्रकार से आयुर्वेद में बहुत सारे बीमारी का इसके द्वारा उपचार बताएं। वैसे मेरे वीडियो के टाइटल और थंबनेल देख ही चुके हैं, कौन से जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों, इस प्रकार के पेड़ पौधों में बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण छुपा होता है, बस थोड़ा बहुत हमें पहचाना आना चाहिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूं और इस वीडियो में बोलना चाहूँगा, हमारे यूट्यूब चैनल का बिल्कुल ही मकसद नहीं होता है कि यूट्यूब चैनल से पैसा कमाएँ। मैं दोस्तों चाहता हूँ कि हमारे भारत भूमि से आयुर्वेद की जानकारी 90% समाप्त हो चुके हैं, हर वीडियो में बोलता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे भारत भूमि से इस प्रकार की जानकारी समाप्त न हो करके छोटे छोटे वीडियो बना करके आप सभी तक फ्री में आयुर्वेद की जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप सब हमेशा स्वस्थ रह सके, निरोग रह सके, आने वाले टाइम में इस प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटी से स्वयं के उपचार कर सके, लोगों के उपचार कर सके, जनहित कर सके। तो इसका बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदे हैं। यह 4 से 5 मिनट की वीडियो बनने वाली है। 4 से 5 मिनट की इस वीडियो में बताया गया जानकारी आपको जिंदगी भर काम आएंगे। कोई भी जो जानकारी होती ना, व्यर्थ नहीं होती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं, लेकिन जानकारी जो होती है हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है। क्योंकि आपने देखे, बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, वो दवा आपको दे देते हैं, लेकिन उसका आप लोगों को दवा का नाम नहीं बताते, नहीं उसका प्रयोग सिखाते, नहीं किस प्रकार से पहचान है वो बताते हैं, सब हाइडिंग रखते हैं। लेकिन आप सभी को मैं फ्री में इन पेड़ पौधों की जानकारी बताता हूँ, इन पेड़ पौधों की औषधि गुण को सिखाता हूँ, ताकि आप सब हमेशा स्वस्थ रह सके, आने वाले टाइम इन पेड़ पौधों से आप फायदा ले सके। तो इस प्रकार से देख लीजिए दोस्तों, इसका बहुत सारा फायदा है सुगंध बाला के, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे तो पहला इसका फायदा है, अगर किसी बीमारी की एलर्जी के कारण बार बार सबसे ज़्यादा प्यास लगती है, तो सुगंध बाला का लेप ऐसा आपको लगाना है, जैसे कि समान मात्रा में चंदन लेना है, खस लेना है, पदकाष्ठा लेना है और हीबेरे, सबका चूर्ण बना करके सिर पर लेप करने से बार बार प्यास लगना बंद हो जाते हैं। यह प्रयोग नहीं करना चाहते तो कम से कम जानकारी रख ले, क्योंकि जानकारी हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है, बाद में हो सकता है काम आ जाए। इसके बाद बवासीर की बीमारी में इसका प्रयोग होता है दोस्तों। जो ये सुगंध वाला देख रहे हैं ना, ये सौंठ और जल और थोड़ा सा मधुरस मिला करके सेवन करने से बवासीर की बीमारी ठीक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, मदिरा की लत छुड़ाने के लिए शराब की, जो लोग शराब पीते हैं, अगर शराब की नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह किसी रामबाण दवा से कम नहीं है, है ना। अगर जो लोग शराब छोड़ना चाहते हैं, शराब तो छोड़ देते हैं 1-2 दिन, लेकिन छूटता नहीं है, उन लोगों को बताना चाहूँगा, अगर शराब पीना है, पीने की लत लग गई है और अगर आप चाहते हैं कि इस नशा से बाहर निकले, तो सुगंध वाला का आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या करना होता है, इसके जो ये सुगंध बाला है ना, इसे पीस करके, ठीक है, इसे पीस करके या इसके 1 ग्राम पाउडर बना करके 1 गिलास पानी में डाल करके थोड़ा सा उबाल ले, और उबाल करके इसका सेवन करने से मदिरा पीने की नशा की जो आदत होती है वह छूट जाती है। यह प्रयोग आप दूसरे को जरूर बताना जो लोग शराब छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एक का भला करते हैं तो भगवान आपकी ज़रूर भला करेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये मकड़ी के विष को भी दूर करता है। मैं आप लोगों को वीडियो में पहले ही बोला हूँ कि इस प्रकार के पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए कीमती हैं। तो दोस्तों, मकड़ी के अगर किसी को गलती से काट लिए हैं, जहर थोड़ा बहुत लगता है मकड़ी का, तो इसके चूर्ण को या इसका पेस्ट बना करके लगाने से मकड़ी के जो जहर होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, काफ़ी आराम मिलते हैं। तो अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारे चैनल के साथ फ्री में सब्सक्राइब कर या हमारे चैनल के साथ जुड़ करके आप इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी सीख सकते हैं। यह जानकारी कैसा लगे हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद।